हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरे की सब्जी। इसको और भी जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, कहीं नेनुआ बोलते हैं, कहीं तोरी बोलते हैं, कहीं तोरई बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको ननुआ बोलते हैं। तो आज मैं इसी को बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ प्याज, हल्दी और हरी मिर्च के बेस पे बनती है ये, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले इसको पील ऑफ कर लेते हैं, इसको फिर गंजा अंजा करने के बाद इसको कट कर लेते हैं हम लोग। और इसको एकदम छोटे छोटे से बारीक से पीस काट के बनाया जाता है। ये मुझे नाश्ते में बहुत पसंद है, पराठे के साथ, पूड़ियों के साथ, और दोपहर में भी बन जाती है दाल चावल के साथ। इसके बाद मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। मेरे पास ये वाला वेजिटेबल कटर है। आप लोग चाकू से काटते हो या कटर से काटते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और आप लोग किस तरह से बनाते हो वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा। सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सिंपल। मसाले में भी बनती है ये, भरवा भी बनता है, बहुत सी सब्जी है, सब अलग अलग बनाया जाता है। तो फिर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। मैंने ऐसे पतले पतले पीस बारीक काट लिए। फिर एक प्याज मीडियम साइज चॉप कर ली, और दो हरी मिर्च तीखी वाली, इनको हमने ऑयल में ले लिया है बहुत अच्छे से। तो पहले प्याज को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं। इसको हमको गोल्डन ब्राउन कर देना है। गोल्डन ब्राउन होने में करीब 3 से 4 मिनट लगते हैं। इसमें हरी मिर्च को भी डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए, तो तीखी हो जाइए। इन दोनों को साथ में ही मिक्स कर लेना है। और तो थोड़ा सा हल्दी अब डाल देंगे इसमें, ताकि हल्दी का जो टेस्ट रहता है ना वो इसमें पक जाए, वरना कच्ची कच्ची सी महकती है सब्जी, बेकार लगती है फिर। तो उसके बाद हमने धुली हुई तोरी को डाल दिया इसमें, उसको भी अच्छे से मिला देना है। ये वैसे भूनते इसको एक बार ढक्कन ढक के रखना है, और ये अपने से पक जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट करीब लगता है, सिर्फ ये बन के तैयार हो जाती है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये ऐसे ही पक जाती है। इसको फिर ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये पक जाती है। फिर बस हमको ढक्कन हटा के थोड़ा सा तेज फ्लेम करके, अब हाई फ्लेम में इसको भूनना है। भूनते भूनते तेल छोड़ देगी, और इसके छिलके की सब्जी भी बनाई जाती है। मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में प्लीज। और ये बन चुकी है हमारी तोरई, और नमक वाला पार्ट स्किप हो गया था, तो सॉरी, नमक भी डालते हैं। और ये हमारी रेडी हो चुकी है तोरई। इसको हम सर्व कर लेंगे किसी बाउल में, बहुत अच्छे से गर्मा गर्म तोरई की सब्ज़ी रेडी है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोबारा फिर मेरी चैनल पे आइएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।